नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जो आज बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का फार्म मशीनरी एंड पावर का पेपर था, उसका फुल आंसर की चैनल पे आ चुका है दोस्तों। तो बिना देर किए चलिए प्रश्न को मिलाते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट में होता है। तो दोस्तों, क्या इसका जो ऑप्शन डी वाला सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। और आगे का प्रश्न देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, कार्बोरेटर का कार्य होता है जो दोस्तों हवा और ईंधन को एक में मिलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और आगे का प्रश्न देखिए, आगे पूछा जा रहा है पूर्ण रूप चार्ज बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व तो होता है। तो दोस्तों, कितना होता है वो, 1.280 होता है, ठीक। और अगला प्रश्न देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है इंजन जिसका एक इंजन चक्र क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होता है, वह इंजन कहलाता है। वो दोस्तों, वो दो स्ट्रोक इंजन कहलाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है डीजल इंजन की उसमें यह दक्षता होती है। तो दोस्तों, 32 से 38% होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगला छठवां प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है चार स्ट्रोक चक्र इंजन को चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, घड़ी की चाल की दिशा में चलाया जा सकता है। और आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है प्रति अश्वशक्ति के अनुसार इंजन का भार अधिक होता है। तो दोस्तों, जो डीजल इंजन होता है इसमें प्रति अश्वशक्ति के अनुसार डीजल इंजन का जो भार होता है वो अधिक होता है। और दोस्तों, अगला और आठवां प्रश्न में पूछा जा रहा है चार सिलेंडर चार स्ट्रोक चक्र वाले इंजन में किस नंबर के पिस्टन साथ साथ एक दिशा में घूमते हैं। तो दोस्तों, जो एक और तीन होता है वो साथ साथ चलता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आगे पूछा जा रहा है ट्रैक्टर में प्रयुक्त इंजन पहले नंबर का सिलेंडर गिना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो गिनती होता है कार्बोरेटर, मतलब जहाँ पे कार्बोरेटर लगा होता है वहाँ से सिलेंडर का गिनती शुरू किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है अगला प्रश्न में इंजन में अधिक ईंधन की खपत होने का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले हो। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है फसल कटाई के समय नमी 14% से कम होने पर हानि होगी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। और आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर धान या सोयाबीन की मंडाई के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, स्पाइक टूथ टाइप होता है, ठीक है। और आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है कंबाइन की मंडाई इकाई में होते हैं। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए, और दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है मंडाई के समय दानों के साथ भूसा आने का कारण है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। और दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है थ्रेशर में मंडाई के समय दाने टूटने का कारण, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्लांटर के बीज नापने के लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है 17 नंबर प्रश्न में विभिन्न फसलों की मंडाई के लिए कॉनकेव व सिलेंडर के बीच रिक्त स्थान रखा जाता है। तो दोस्तों, 20 से 35 मीटर रखा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सीड ड्रिल के बीज नापने की युक्ति। तो दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी है, ठीक है दोस्तों, यानी उपयुक्त सभी विधि युक्ति द्वारा सीड ड्रिल में बीज मापा जाता है। प्लांटर से बुआई के समय बीज के टूटने का कारण, तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। और दोस्तों, अगला और विश्वा प्रश्न में पूछा जा रहा है तवेदार हैरो में पार्श्व खिंचाव होने के कारण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ए एवं बी दोनों कारण हो सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तवेदार हल से जुताई की अधिक गहराई प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, एवं इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ए एवं बी दोनों, यानी हल पर अतिरिक्त भार रखकर और टिल कोण को कम करके। और दोस्तों, और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है तवे का आकार बताया जाता है। तो दोस्तों, व्यास एवं टिल्ट कोण से बताया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है सब सॉइलर सहायक होता है। तो दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ए एवं बी दोनों में। और दोस्तों, देर किए बिना वीडियो को अप्लाई कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है रोटावेटर द्वारा अधिक शक्ति की चाहे आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी रोटर की चाल अधिक होना, कार की अधिक गहराई या ट्रैक्टर की चाल अधिक होना, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है डिस्क कोण का मान होता है। दोस्तों, इसका मान इसमें जितना दिया उसमें से कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पलटहल के भाग हैं। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी भाग ये जो हैं, ये कोल्टर और ज्वाइंटर, गेज व्हील और हल का फ्रेम व हरिश, ये सभी का सभी मिट्टी पलटहल के भाग हैं। और अगला प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पार्श्व दबाव लेने में सहायक है। तो दोस्तों, ग्लेन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ग्लेन। तो दोस्तों, देर के बिना वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर लाने का प्रयास किया जाता है और उत्तर लाया भी जाता है। तो दोस्तों, बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मूंगफली से दाने निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, ग्राउंडनट सेलर के द्वारा दाना निकाला जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है लूप टाइप सिलेंडर प्रायः प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धान के थ्रेशर में होता है, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कंबाइन के दो गांठों के बीच रोकर आर्म या पिटमैन
के स्ट्रोक की लंबाई होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारे पास नहीं आया है और इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि छात्र कन्फ्यूज हो। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रश्न को अभी छोड़ा जाता है और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। आगे का प्रश्न में पूछा जा रहा है मोअर में लेगर प्लेट किसका भाग होता है, भाग है तो दोस्तों नाइफ सेक्शन का भाग है, ठीक है दोस्तों। और आगे पूछा जा रहा है सीड ड्रिल में ड्रेग चेन का कार्य होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बीज को मिट्टी से ढकने का काम होता है। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है प्रायः बीज से बुआई की जाती है, तो दोस्तों प्रायः डिबलिंग से बीज की बुआई की जाती है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो डिबलिंग होता है उसको वो लाठी उठी डंडा में दबा कर उसको लगा कर से बीज का बुआई किया जाता है, पहले गड्ढा खोद कर। तो इसलिए गेहूं का तो होगा नहीं, क्योंकि गेहूं का बहुत ज़्यादा बुआई किया जाता है और धान का भी नहीं होगा, इसलिए साग सब्जी का जो बुआई होता है लोग ऐसे लाठी या डंडे से गड्ढा खोद कर गड्ढा बना के उसमें बीज का बुआई करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी साग एवं सब्जी की फसलें का बुआई डिबलिंग विधि से किया जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न में पूछा जा रहा है सबसॉइलर के कार्य की गहराई होती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 40 से 50 सेंटीमीटर। और आगे का प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है कंबाइन में रील की चाल मशीन की चाल से कितने गुना अधिक होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 2.5 से 3 गुना अधिक होता है। और दोस्तों आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सीड ड्रिल में प्रायः प्रयुक्त शक्ति स्थानांतरण प्रणाली है, तो दोस्तों गियर और बेल्ट पुली, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है भूमि में पौधरोपण में प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो दोस्तों पौधरोपण के विधि को जो मतलब जिससे पौधा को रोपण किया जाता है उसको ट्रांसप्लांटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है रीपर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों रीपर का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता है। और आगे पूछा जा रहा है मिट्टी पलट हल का आकार बताया जाता है, तो दोस्तों कुंड की चौड़ाई से मिट्टी पलट हल का आकार बताया जाता है। और आगे का प्रश्न में पूछा जा रहा है तवेदार हल के अधिक खिंचाव का कारण, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। और देखिए ट्रैक्टर से जुड़े माउंटेड यंत्र को नीचे की ओर गिराना होता है, तो दोस्तों हाइड्रोलिक बल द्वारा नीचे गिराया जाता है, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से इसे। और आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है मोअर की कटर बार में लीड रखी जाती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी सॉरी ऑप्शन डी, यानी 20 मिलीमीटर प्रति मीटर प्रति मिनट कटर बार की लंबाई, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे देसी हल में कुंड की गहराई बढ़ाई जा सकती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी हलवाहे से दूर की ओर हरीस के छेद से बैलों को जोड़ना। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न पूछा जा रहा है कंबाइन हार्वेस्टर में कुल हानि निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1.5 से 3%। और दोस्तों 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे देखते हैं, और दोस्तों 46वें प्रश्न में पूछा जा रहा है 4500 किलोग्राम प्रति मिनट का कार्य होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी एक अश्वशक्ति, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे पूछा जा रहा है इंजन सिलेंडर में उत्पन्न पिस्टन द्वारा प्राप्त शक्ति को कहते हैं सांकेतिक अश्वशक्ति, यानी IHP कहते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आगे पूछा जा रहा है इंजन की ब्रेक अश्वशक्ति नापी जाती है, तो डायनेमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आगे पूछा जा रहा है ड्रो बार के सिरे पर नापी जाने वाली ट्रैक्टर की शक्ति को कहते हैं, तो दोस्तों ड्रो बार अश्वशक्ति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगला और 50वां प्रश्न है इंजन के घर्षण अश्वशक्ति होती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी संकेतिक अश्वशक्ति से ब्रेक अश्वशक्ति। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, 51वां प्रश्न में पूछा जा रहा है एक अश्वशक्ति बराबर होता है 0.746 या जिसे आप बोल सकते हैं 0.746 किलोवाट, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और अगला और 52वां प्रश्न को देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है इंजन द्वारा उत्पन्न क्रैंकशाफ्ट के सिरे पर प्राप्त होने वाली शक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेक अश्वशक्ति, यानी BHP कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिए, 53वां प्रश्न में पूछा जा रहा है सिलेंडर में पिस्टन द्वारा एक दिशा में चली कुल दूरी कहलाती है, तो दोस्तों पिस्टन की चाल कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और अगला देखिए, और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है इंजन द्वारा प्रति BHP प्रति घंटा व्यय किए गए ईंधन को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं, विशिष्ट ईंधन खपत कहते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंसप्शन कहते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है इंजन की आउटपुट अश्वशक्ति व ईंधन अश्वशक्ति के अनुपात को कहते हैं, दोस्तों इसको ऊष्मीय दक्षता या जिसे आप इंग्लिश में थर्मल इफिशियंसी कह सकते हैं। और आगे का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है टैकोमीटर नापता है, तो दोस्तों क्या नापता है, इंजन की चाल मापता है, ठीक है दोस्तों। और आगे और 57वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कृषि में कृषि अभियंत्रण का योगदान है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें जो होता है शक्ति की बचत होता है, समय की बचत और श्रम की भी बचत होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। और आगे देखते हैं,
और दोस्तों आगे और 58 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है फार्म पर शक्ति के स्रोत हैं। तो दोस्तों जो फार्म पर शक्ति के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, पशु शक्ति, यांत्रिक शक्ति और सोलर शक्ति, यानी उपयुक्त सभी स्रोत हो सकते हैं। और आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है शीतलन प्रणाली द्वारा निकाली गई गर्मी की मात्रा लगभग होती है 30% के आसपास होता है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आखिरी प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ तक देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अगला और आखिरी प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है फोर्स शीतलन प्रणाली में थर्मोसेट वाल्व का खुलना लगभग किस ताप पर प्रारंभ हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 74% ताप पर जो वाल्व होता है वो खुलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।